जालौन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पीड़ित परिवार ने लगाया जाम। जालौन के कोच नगर में मारपीट, पत्थरबाजी, आगजनी की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जाम की सूचना पर सीओ कोच के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह मान मनोबल के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मामला जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के नगर कोंच के चंदकुआ चौराहा का है, जहां पर पिछले महीने की 12 तारीख को जयप्रकाश मोहल्ले में दो पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। वहीं एक पक्ष ने मोहल्ले के कुछ लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, पत्थरबाजी, आगजनी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। लेकिन लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के चलते आज पीड़ितों ने नगर के मुख्य चौराहे चंदकुआं पर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जब जाम की सूचना पुलिस के आलाधिकारियों को हुई तो मौके पर सीओ कोंच के साथ भारी पुलिस बल पहुंचा और किसी तरह से गिरफ्तारी का भरोसा दिलाते हुए पीड़ितों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार का कहना है कि दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर आज कुछ लोगों के द्वारा जाम लगाया गया था, जिस पर पुलिस ने सभी लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है और पूरे मामले पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही करने का भरोसा भी पीड़ितों को दिया गया है। जालौन से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट। जयप्रकाश नगर दिव्यांग, आज आपने ये जाम मैंने इसलिए लगाया कि 12/5/2020 पिछले महीने मई में हमारे घर पर दलितों के हम लोगों है दलित में आते हैं कैटेगरी में हम लोगों के घर पे हमारा बूटा मेरे लड़के का सर फोड़ दिया, जो आज तक किसी अहमाल में न किसी संगत में है इनकी में बीएससी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से बीएससी लड़का करा घरवाली की टांग टोट डाली, मंगल सूत्र लूट ले गए और बाकी मारो पटक पटक के हम बोले तो हमें मारन लगे। 65 साल मेरी उम्र है, 65 साल। इसी को लेके आग लगा दी, वहाँ आग भी लगाई उस दिन 12/5/2020। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वीडियो बना, वीडियो पुलिस कह रही जाइए जाइए कार्रवाई होगी। कब से आप लोग परेशान है, कब से आप लोग परेशान है? 12/5/2020 से परेशान है, 27 बजे नहीं आज पुलिस ये कह रही है आप परेशान मत होइए दादा, आप जाइए हम गिरफ्तारी कर लेंगे, हम मर जाए तब गिरफ्तारी करोगा। अच्छा कितने लोगों के खिलाफ आपने नाम दिया था तहरीर? हमने अपनी तहरीर में FIR में 7 आदमी है, एप्लीकेशन है, 4-5 एप्लीकेशन है, 7 आदमियों की FIR दर्ज है। तो आज इसी को लेकर जाम लगाया था आप लोग? हाँ, गिरफ्तारी होना चाहिए, मुलजिम रोज हड़का रहा है, 4 पहिया की गाड़ी से मार डाल तो मैं राम स्वरूप। कुछ लोगों ने जाम लगाया था चंदकुआ पर, किस मामले को लेकर उन्होंने जाम लगाया? दो पक्षों में मारपीट हुई थी, इसी में उनका कहना है कि गिरफ्तारी की जाए, इसमें अभी जांच करके लोग को भी सबसे सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी और इसमें बाउंडाउन भी किया जाएगा, 116 की कार्रवाई भी की जाएगी ताकि भविष्य में इसकी घटना दोबारा ना हो और इसमें सतर्क दृष्टि भी रखी जाए। सर लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान जाम लगाना प्रतिबंधित है, तो इन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए? हाँ, इन लोगों ने मैंने देखा कि दूर दूर बैठे हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन लोगों ने अपनी बात रखी है और इनको समझा बुझा के इनको अलग किया गया और भविष्य में इनकी बात को रखा जाएगा और कोई भी दिक्कत होगी तो हम इनसे बात करते हैं।